गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन की अगर बात करें तो इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट चैप्टर में, यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। पर उससे पहले एक छोटा सा पार्ट है जो किससे रिलेटेड है, काइनेमेटिक्स से रिलेटेड, यानी कंस्ट्रेंट मोशन, या इसको बोलते हैं मोशन अंडर कंस्ट्रेंट भी। अगर यहाँ पर बात करें कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, तो कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कंस्ट्रेंट मोशन यानी कि बॉडी मूव कर रही होगी, जो बॉडी मूव कर रही है उस पर कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन है, कोई ना कोई लिमिट है, ठीक है, कि वो वैसे ही काम करेगा। जिस तरीके से हम एग्जांपल से समझें इसको, कि मान लीजिए पेन है, ठीक है, इस पेन को या इस पेन को रहने दीजिए, इसको ले लेता हूं मैं, वायर है मेरे पास यहां पर, ठीक है, वायर है, मान लीजिए मैंने इसको हाथ में इस तरीके से ले लिया है। अब जब मैं इसको ऊपर खींचूंगा, मतलब जब मैं इसको नीचे खींच रहा हूं, तो ये वाली साइड कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है। अगर मैं इसको नीचे खींचता हूं तो ये वाली साइड ऊपर जा रही है, यानी कि यहां पर किस टाइप का मोशन है, कंस्ट्रेंट मोशन, यानी कि एक ऑब्जेक्ट का मोशन दूसरे ऑब्जेक्ट पर डिपेंडेंट हो, तो उस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट मोशन बोलते हैं। तो चलिए पहले कंस्ट्रेंट की डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। अ मोशन इन विच मोशन ऑफ ऑल बॉडीज इन आवर सिस्टम आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। यानी कि इस तरीके का मोशन जिसमें जो जितनी भी बॉडीज है सिस्टम में वो सब क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, सब क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर कंस्ट्रेंट मोशन की बात करें तो मैंने जैसे बताया कंस्ट्रेंट और मोशन में क्या क्या, कंस्ट्रेंट की बात करें तो कंस्ट्रेंट मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट पे कोई रेस्ट्रिक्शन होगी या कोई कंडीशन होगी जिसके अकॉर्डिंगली उस ऑब्जेक्ट को मूव करना पड़ेगा, या कोई लिमिट होगी कि इसके आगे नहीं जा सकता या ऐसा नहीं कर सकता या ऐसा कर सकता है। अब यहां पर बात करते हैं मोशन की, तो यहां पर जो मोशन की हम बात करेंगे, यानी कि सर मोशन में हम क्या क्या बात करेंगे, तो मोशन में हम तीन चीजों की बात करेंगे। एक तो उसका होगा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, कि किसी को मूव किया तो दूसरा कितना मूव करेगा, या किसी की वेलोसिटी हमको गिवन है और किसी और की हमसे वेलोसिटी पूछ लेगा, और सिमिलरली इसी तरीके से हमसे एक्सेलरेशन की वो डिटेल लेगा, ठीक है। तो इस चीज के बारे में हम किसमें बात करने वाले हैं, इस टॉपिक में कंस्ट्रेंट मोशन। एक छोटा सा टॉपिक ये बुक्स में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, पर क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में, सवाल बनते हैं इससे, तो इसलिए अपन इसको कर रहे हैं। चलिए तो प्रॉब्लम पे आते हैं सीधे। चलो बेसिक प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए पहली एग्जाम्पल, दो ब्लॉक दिए हुए, एक ब्लॉक ए है और एक ब्लॉक बी है, एक ब्लॉक ए है एक ब्लॉक बी है, और दोनों एक स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं। यहां पर जो हम स्ट्रिंग लेंगे, इस चैप्टर में हम स्ट्रिंग की बात करेंगे या पुली की बात करेंगे, तो मैं यहां पर कुछ बात बता देता हूं आपको। अगर हम यहां पर स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं तो जो स्ट्रिंग होगी वो यहां पर हमारे पास कैसी होगी, इनएक्सटेंसिबल और मासलेस। पुली की बात करें तो पुली जो हमारे पास होगा यहां पर वो कैसा होगा सर, फ्रिक्शनलेस एंड अगेन मासलेस, ठीक है। तो पहले बात करता हूं मैं स्ट्रिंग की, इनएक्सटेंसिबल मतलब कि ऐसी स्ट्रिंग जो ना तो खींची जा सकती है, ठीक है, और ना कंप्रेस की जा सकती है, यानी कि जो लेंथ है उसकी वही एक्चुअल लेंथ रहेगी, ठीक है, ना उसमें स्लैग होगा, याद रखिए, ना तो वो लटकेगी और ना वो टाइट होगी, वो जैसी है एज इट इज रहेगी। पुली की बात करें तो फ्रिक्शनलेस है और मासलेस है, ठीक है। तो वापस आते हैं प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम में क्या दिया है, मेरे को दो ऑब्जेक्ट्स दिए हैं ए और बी, ठीक है, मेरे से बोला गया है कि जो बी है वो 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस डायरेक्शन में आगे मूव कर रहा है, 50 मीटर पर सेकंड से आगे मूव कर रहा है। तो जैसे मैंने आपको भी एग्जाम्पल बताया था इस स्ट्रिंग का, कि अगर मैं इसको इस तरफ खींचता हूं,
ठीक है, तो पीछे वाला एंड भी क्या उसके साथ खींचता हुआ चला जाता है। अगर इस पेन को मैं यहां पर मान लूं, अब इस पेन को इन दो बॉक्सेस के साथ में किसी तरीके से ग्लू कर दूं, तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को खींचूंगा तो ये पेन भी क्या साथ में खींचता हुआ जाएगा, और इस पेन से ये ऑब्जेक्ट भी ग्लूड है तो ये ऑब्जेक्ट भी क्या साथ में मूव करता हुआ जाएगा। यानी कि यहां पर अगर हम बात करें तो ए जो है वो बी के साथ फिक्स्ड है, अटैच्ड है, कंस्ट्रेंड है, ठीक है, और जो उसका मूवमेंट है वो क्या है, रेस्ट्रिक्शन है। उसके मूवमेंट में रेस्ट्रिक्शन है कि किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, सिर्फ अलोंग द ग्राउंड मूव कर सकता है, सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव कर सकता है, ठीक है। तो अगर बात करें वेलोसिटी ऑफ बी, मेरे को दी गई 15 मीटर पर सेकेंड, और मेरे से पूछा गया है फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए। तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ ए क्या होगी सर, वेलोसिटी ऑफ बी की ए की बात करें तो बी को किससे खींचा जा रहा है, 15 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो ये जो स्ट्रिंग है ये भी किससे आगे बढ़ेगी सर, ये भी तो 15 मीटर पर सेकेंड से आगे जाएगी, ठीक है। इस वायर का अगर एक एक पार्टिकल की बात करी जाए तो हर पार्टिकल किससे मूव करेगा सर, 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करेगा। यहां पर देखेंगे तो भी 50 मीटर पर सेकेंड से, यानी कि अगर इस ऑब्जेक्ट की बात करूं ब्लॉक ए की, तो ये भी किससे मूव करेगा सर, 50 मीटर पर सेकेंड से। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ ए आ गई हमारे पास कितनी, 50 मीटर पर सेकेंड। अगर कंस्ट्रेंट मोशन की बात करें तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है, सॉरी इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, ये जो है सर लॉजिक बेस्ड है, ठीक है, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, तो अपन सिर्फ लॉजिक डेवलप करने की कोशिश करेंगे ताकि हम जब भी प्रॉब्लम देखें एग्जाम में तो हम ऐसा ना लगे कि हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। चलिए तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दी हुई मेरे को, सीधा बनाना, ये पुली लगी हुई है यहां पर, यहां पर एक ब्लॉक है ए, इस तरीके से जुड़ा हुआ है पुली से, और यहां पर एक ब्लॉक है बी, एक ब्लॉक ए है एक ब्लॉक बी है, ठीक है। ब्लॉक बी जो है यहां पर एंगल बन रहा है 37 डिग्री का, ठीक है। जो ब्लॉक ए है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, किस स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड से। हमसे पूछा गया वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी हमको फाइंड करनी है, वेलोसिटी ऑफ बी हमको फाइंड करनी है, अब कैसे करेंगे। चलिए आते हैं प्रॉब्लम को किस तरीके से करेंगे। जैसा कि अभी हमने बोला कि यहां जो स्ट्रिंग है वो कैसे सर इनएक्सटेंसिबल है, यानी कि वो खिंचकर लंबी नहीं होती है, यानी कि जिस स्पीड से ब्लॉक ए जाएगा उसी स्पीड से ये स्ट्रिंग भी जाने वाली है, यानी कि ए से जो ए ब्लॉक है वो 5 मीटर पर सेकंड से जाएगा, तो स्ट्रिंग भी ए की डायरेक्शन में किससे जाएगी सर, 5 मीटर पर सेकंड से। यहां पर भी वायर सेम ही है, ये स्ट्रिंग सेम ही है, तो भी किससे जाएगी सर, 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाने वाले, ठीक है। पर यहां पर अगर हम ध्यान देंगे कि जब हम ब्लॉक को खींचेंगे, जब इस ए ब्लॉक को खींचेंगे तो ब्लॉक भी किस तरफ जाएगा, ये ब्लॉक भी जाएगा इस डायरेक्शन में, यहां पर होगी वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी होगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। आप ट्राई कर सकते हैं घर पे, कोई भी ऑब्जेक्ट लीजिएगा, इस तरीके से स्ट्रिंग ले लेना, ठीक है, और उसको किसी हैवी ऑब्जेक्ट से एक तरफ से लगा देना, तो जब आप उसको खींचोगे, ठीक है, तो वो इस तरीके से आगे बढ़ता हुआ आएगा, और जब वो ऑब्जेक्ट दूर होगा यानी कि ग्राउंड पर है और उसमें इतनी स्पेस है कि वो आगे मूव कर सकता है, तब तक वो आगे मूव करेगा, और जब वो एकदम एंड पर पहुंच जाएगा तब वो ऊपर जाने लगेगा। तो अभी ये कहीं डिस्टेंस पे है, तो ये अभी कहां पर मूव कर रहा है, जो ब्लॉक है ये ग्राउंड पर मूव कर रहा है, यहां पर ग्राउंड है, ठीक है। चलिए अब इस तरह की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। यहां तक तो सर हमने सॉल्व कर लिया कि जो ए ब्लॉक है 5 मीटर पर सेकंड से हमको गिवन था, उसकी वजह से जो स्ट्रिंग है वो भी कहां जाएगी सर, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाएगी। पर हम यहां पर देख रहे हैं कि सर ब्लॉक कहां है, ऊपर नहीं जा रहा है, वो कहां जा रहा है सर, अलोंग दी एक्स एक्स से जा रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या करते हैं, इस केस में करते हैं हम जो वेलोसिटी है ब्लॉक की उसका कंपोनेंट ले लेते हैं अलोंग दी स्ट्रिंग, क्या कर लेते हैं, कंपोनेंट ले लेते हैं कहां पर, अलोंग दी लेंथ ऑफ दी स्ट्रिंग, यानी कि यहां पर हम क्या ले लेंगे, कंपोनेंट ले लेंगे। तो इसका कंपोनेंट क्या होगा यहां पर सर, यहां पर कंपोनेंट होगा वीवी कॉस 37, वीवी कॉस 37, ठीक है। ये स्ट्रिंग किस स्पीड से रहा था, 5 मीटर से, और हमने बीबी का कंपोनेंट भी निकाल लिया उस डायरेक्शन में, वो कितना है, बीबी कॉस 37,
और ये दोनों क्या है सर, सेम है। तो वी वी कॉस 37 इक्वल्स टू 5। कॉस 37 की बात करें तो वो कितना होता है सर, वो होता है हमारे पास वी वी कॉस 37 होगा हमारे पास 4/5 इंटू वी वी, और ये कितना है 5। तो यहाँ से हमारे पास जो वी वी आया वो आएगा कितना 25/4 मीटर पर सेकेंड। वीवी कितना आ गया हमारे पास 25/4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक चीज का जो यहाँ पर ध्यान देना है, वो यार गलती हो जाती है जल्दी जल्दी में, वो ये हो जाती है कि जो 5 है हम इसका कंपोनेंट ले लेते हैं कहां पर, वीवी के अलाउ। ठीक है, जो एकदम गलत हो जाता है, यानी कि हम क्या कर जाते हैं जल्दी जल्दी में, कभी कभी हम यू कर जाते हैं 5 और उसका एंगल ले लेते हैं कॉस 37 और उसको बराबर कर देते हैं वीवी के, जो कि एक्चुअली में क्या हो जाता है गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये कभी नहीं करना है हमें, क्यों नहीं करना है उसको समझते हैं। अगर हम इस ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक कहां मूव करेगा, इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में मूव करेगा, वीवी की डायरेक्शन में, जो कि डायग्राम को देखकर या जो सेटअप है इसको देख के पता चल रहा है, और चाहे तो हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कहां जाएगा सर, वीवी डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो वीवी डायरेक्शन में जाएगा यानी कि ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है, ये वीवी जो है इसकी क्या है, रिजल्टेंट वेलोसिटी है, यानी कि जो वीवी है दैट इज रिजल्टेंट वेलोसिटी, और स्ट्रिंग कहां खींच रही है ऊपर। तो जब ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है, तो ये क्या होगी, ये सर उसका कंपोनेंट ही तो होगा, ये उसका कंपोनेंट होगा, और एक कंपोनेंट कहीं नीचे होगा परपेंडिकुलर डिग्री पे, इस तरीके से वो वीवी सही 30 हो जाएगा, 37 हो जाएगा, और ये वीवी कॉस 37 है। ठीक है, तो ये जो वीवी की वैल्यू है वो यहां से हमें पता भी चल रहा है क्योंकि वो रिजल्टेंट है, तो इसकी वैल्यू जो है वो हमेशा ज्यादा होगी किससे, इससे, यहां से सॉल्व करके देखेंगे तो भी हमारे पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो वीवी की वैल्यू ज्यादा है इसलिए उसका हमने कंपोनेंट लिया है कहां पर, अलोंग दी स्ट्रिंग। ठीक है, तो आपको यहां तक समझ में आया होगा, चलिए आगे देखते हैं प्रॉब्लम्स। ठीक है, इस चैप्टर में ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं, इसमें सिर्फ प्रॉब्लम्स और प्रॉब्लम्स ही है, तो चलिए करते हैं आगे की प्रॉब्लम्स और देखते हैं। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया मुझे, इस तरह का डायग्राम दिया है, हमसे बोला गया है जो VA है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, ये एंगल 37 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल 53 डिग्री दिया हुआ है, 53 डिग्री VB इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, हमसे पूछा गया है फाइंड VB। ठीक है, ये हमको प्रॉब्लम दी हुई है, अब इस टाइप की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, वापिस से वही जो हमने पहले वाला केस किया था वही यूज करना है। देखो, हमसे बोला गया है VA किस डायरेक्शन में जा रहा है, सर इस तरफ जा रहा है, तो अगर VA इधर जाएगा तो ये जो स्ट्रिंग है ये भी किसी स्पीड से आगे मूव होगी, किस स्पीड से मूव होगी सर, कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। अगर 37 की बात करें तो इसको आगे एक्सटेंड कर दूं तो यहां पर होगा, और ये एंगल कितना होगा सर, 37 डिग्री होगा, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, इसको थोड़ा आगे करके यहाँ पे थोड़ा बड़ा सा बता दूंगा, ये 37 डिग्री होगा। ठीक है, जब ये 37 डिग्री होगा तो इसका निकाला जा सकता है 10 cos 37, कंपोनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा सर, 10 into 4/5। ठीक है, ट्राइंगल याद होगा सबको, cos 37 वाला, ये 37, ये 5, ये 4 और ये 3, और 53 भी आएगा तो 53 इसका अपोजिट हो जाएगा जस्ट, यहाँ पे 53 होगा तो ये 5, ये 3 और ये 4। ठीक है, तो वहां से वैल्यूज पुट कर लेंगे अपन, cos 37 की वैल्यू आ गई 4/5, दैट इज कैंसिल आउट हो गई, कितनी बच जाने वाली है, 8 बच जाने वाली है, कितनी बचेगी 8। तो ये जो स्ट्रिंग है वो नीचे की तरफ किससे आएगी सर, 8 मीटर पर सेकंड से आएगी, ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग एक ही है सर, पूरी स्ट्रिंग जुड़ी हुई है, तो ये भी ऊपर किससे बढ़ने वाली है सर, ये 8 मीटर पर सेकंड से,
मुड़ने मतलब चलने वाली है। ठीक है, यहां तक तो सर बात क्लियर हो गई कि ये इस तरह डायरेक्शन में जाएगा। अब ये जो वीबी है, वीए इस तरफ जा रहा है तो वीबी किधर जाएगा सर? इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, या वीबी की डायरेक्शन हमको दी हुई, किसी डायरेक्शन में ये जा रहा है। तो क्या करना है सर? पहले की तरह वीबी की स्पीड ज्यादा होगी और ये क्या होगा, उसका कंपोनेंट होगा। तो यहां पर क्या होगी सर? वीबी कॉस 53 होगा और ये वीबी कॉस 53 किसके बराबर होगा सर? 8 के बराबर होगा। तो वीबी कॉस 53 किसके बराबर होने वाला है सर? 8 के। कॉस 53 की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? 3/5। तो वीबी इक्वल्स टू 3/5 इक्वल्स टू 8। तो वीबी आ जाएगा मेरे पास ये 5/40/3 मीटर पर सेकेंड। वो आप सबको समझ में आ रहा हो किस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। यहाँ पे जो मेन चीज ध्यान देने वाली है वो है कि जिस भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालनी है, या सिंपल से जो टर्म याद रखनी है वो याद रखनी कि वेलोसिटी हमेशा उस वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना है या उस डायरेक्शन का कंपोनेंट लेना है जिस तरह का ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो। तो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इस वेलोसिटी का कंपोनेंट लेंगे हम। वेलोसिटी कहां पर है ऑब्जेक्ट की? इस डायरेक्शन में। तो इस जो इस वेलोसिटी है इसका कंपोनेंट हम लेंगे। ठीक है, सबको समझ में आया किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व किए। चलिए एक और प्रॉब्लम यहां पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस बार क्या दिया हुआ है? एक पुली यहां पर दी है, एक रिंग यहां पर दी हुई है। ये एक रिंग है जो ऊपर की तरफ जा रही है वी आर वेलोसिटी से। ठीक है, ये जो रिंग है वो इस तरीके से इस पुली से घूमते हुए, और एक ऑब्जेक्ट है यहां पर, ऑब्जेक्ट ए उससे लगा हुआ। ये ऑब्जेक्ट ए है जो 2 मीटर पर सेकेंड से नीचे आ रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड से नीचे आ रहा है, और हमसे पूछा गया है फाइंड वेलोसिटी ऑफ रिंग। एक छल्ला, एक रिंग है जो कहां जा रहा है? इस रॉड के अलोंग ऊपर या नीचे मूव कर सकता है, यानी कि कंस्ट्रेंट है इसके पास और भी डायरेक्शन है नहीं मूव करने का। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट नीचे मूव होगा, सॉल्यूशन पे आते हैं डायरेक्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट कहां मूव कर सकता है सर? ये ऑब्जेक्ट नीचे ही जा सकता है, इसके पास और कोई रास्ता नहीं है, तो ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? अभी हमको दिया हुआ है सर ये नीचे जा रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट जब नीचे जाएगा तो ये स्ट्रिंग भी कहां जाने वाली सर? 2 मीटर पर सेकेंड से नीचे। जब ये 2 से जाएगी तो ये स्ट्रिंग भी कहां जाएगी सर? 2 मीटर पर सेकेंड से उस तरफ, यानी कि ए के अलोंग जाएगी। अब हमसे पूछा गया वी आर, तो जैसा मैंने यहां पर बताया था हमें क्या करना है? हमें उस वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना है जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। हमें उस वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना है जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो यहां पर किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर? इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वी आर, उसका कंपोनेंट लेना है अलोंग दी लाइन, अलोंग दी स्ट्रिंग, अलोंग दी लाइन। तो मैं क्या करूंगा? वी आर इसका कंपोनेंट लेंगे इस तरफ। तो क्या आएगा सर? ये एंगल भी दिया हुआ है शायद मेरे को, हाँ ये एंगल जो है मेरे को 37 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से आएगा ये एंगल आ जाएगा मेरे को वी आर कॉस 37। तो वी आर कॉस 37, और ये जो कंपोनेंट है वो किस स्पीड से जा रहा है सर? 2 मीटर पर सेकेंड से। तो ये 2 के बराबर कर देंगे तो वी आर कॉस 37 की वैल्यू 4/5 2। यहां से वी आर जो आएगा मेरे पास वो आएगा 10/4 दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। वो आप सबको समझ में आ रहा होगा, किसी को लग तो नहीं रहा है ना जल्दी जा रहा हूं मैं? अगर लग रहा हो तो स्क्रीन जो वीडियो है उसकी स्पीड स्लो कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। इस बार क्या दिया हुआ है मुझे? इस बार मेरे को कोई दीवार दी हुई है, ये 2 दीवारें हैं। ठीक है, और यहां पर कोई रॉड रखी हुई है, कोई रॉड पड़ी हुई है इस तरीके से। इस तरीके से ये एंड ए है रॉड का, ये एंड बी है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है मुझे? ये जो रॉड है ये कैसी रॉड है सर? ये रिजिड रॉड है। ठीक है, ये इस तरफ जा रही है बी एल,
वीए स्पीड से, और ये जो वीए स्पीड है दैट इज गिवन 10 मीटर पर सेकेंड, और मेरे से पूछा गया है कि वीवी फाइंड कीजिए, ये वीवी मेरे को निकालना है, तो यहां पर दिया हुआ है फाइंड वीवी मेरे को यहां पर निकालना है। अब किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है, एक और चीज दी हुई एंगल दैट इज 37, तो ये है और ये 53 ऑटोमेटिक आ जाएगा, मतलब गिवन 37 था और ये हमने निकाल लिया कैसे, ये 90, तो ये 90 माइनस 37 दैट इज 53 डिग्री। अब इस प्रॉब्लम पे आते हैं, इसको मैं जो रॉड है उसको निकाल के इधर साइड में ड्रॉ कर देता हूँ सॉल्यूशन के लिए। तो मान लीजिए जो लाइन है ये मेरी रॉड है, इसके पास इस डायरेक्शन में कोई स्पीड है दैट इज वी ए, और ये कितनी गिवन है सर, ये गिवन है मेरे को 10 मीटर पर सेकेंड, और ये ऑब्जेक्ट नीचे से आएगा जब ये रॉड इस तरह से आगे सरकेगी, ठीक है, यहां पर देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का एंड है, तो जब ये इधर आगे बढ़ेगी, ठीक है, तो ये वाला जो एंड है वो कहां जाएगा, नीचे जाएगा, यानी कि इस तरीके से रॉड रखी हुई है, जब ये इस तरफ मूव करेगा तो ये वाली जो एंड है वो कहां जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी, ये ऑटोमेटिक होने वाला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये कहां पर, ये दोनों एंड इस पे जुड़े रहने वाले हैं, ठीक है। चलो प्रॉब्लम पे आते हैं वापस से, तो ये डायरेक्शन वीए से जाएगी, तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा किससे, वीवी से, और ये वीवी हमको फाइंड करना है। हमें क्या क्या गिवन है, अगर यहां पर बात करें ये एंगल मेरे को गिवन है 37 डिग्री, और ये एंगल हमने निकाल दिया कितना 53 डिग्री, ये एंगल 37, ये 53 डिग्री, तो अगर मैं इसको यहां से एक्सटेंड कर दूं तो ये एंगल कितना हो जाने वाला है 37 डिग्री, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट जो रॉड है उसका कंपोनेंट्स निकाल लेता हूं मैं, तो यहां पर जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, वी ए कॉस 37, जो कितना होने वाला है, वी ए की वैल्यू 10 कॉस 37 4/5, तो आ जाने वाला है मेरे पास 8, कितना आ जाएगा 8। ऐसे ही वीवी की निकाल सकता हूं मैं, इसके अलाउ निकाली जा सकती है, नहीं निकाली जा सकती है, निकाली जा सकती है, तो वीवी कितना हो जाएगा, वीवी कॉस 53, और कॉस 53 क्या होता है 3/5, तो वीवी इंटू 3/5, और ये दोनों स्पीड्स क्या है सेम है, तो वीवी इंटू 3/5 इक्वल्स टू 8, तो 5 यहां से वीवी आ गया मेरे पास 40/3 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया या नहीं आया, क्या किया मैंने यहाँ पर, ठीक है। प्रॉब्लम पे आते हैं वापस, मेरे को एक दीवार थी जिसपे एक रॉड पड़ी थी, ठीक है, रॉड इस तरीके से मूव कर रही थी कि जो उसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी थी वो 10 मीटर पर सेकंड में थी, ठीक है, मेरे को वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी स्पीड फाइंड करनी थी, क्यों, क्योंकि जब रॉड मूव कर रहा था तो वो इस तरीके से मूव कर रहा था, यहां से था और यहां पर था, जब ये ऑब्जेक्ट नीचे मूव कर रहा था तो ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा था, ठीक है, जब ये ऐसा हो रहा था, ठीक है, तो हमने क्या करा, उसकी स्पीड हमको गिवन थी वीए की, वीवी की निकाल ली थी, तो हमने क्या करा, कॉमन प्लेटफॉर्म यू बात कर लीजिए कि जो चीज चेंज नहीं हो रही थी, इससे पहले अगर प्रॉब्लम की बात करें तो वहां पे स्ट्रेंथ थी जो चेंज नहीं हो रही थी, तो हमने उसी के अलोंग सारा काम किया। यहां पर अगर हम बात करें तो रॉड कैसी रिजिड है, ये चेंज नहीं होने वाली, तो इसी के अलोंग काम कर रहे हैं, तो हमने इसके अलोंग स्पीड निकाल ली, इसके अलोंग वीए की स्पीड निकाली दैट इज वीए कॉस 37, और वीवी की भी इसी के अलोंग निकाली दैट इज वीवी कॉस 53, और दोनों कैसी है सर, इक्वल है, तो दोनों इक्वल है, तो वीवी की वैल्यू कितनी आ गई 40/3, ठीक है। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक और तरीका है, अल्टरनेटिंग मेथड, उसकी बात करते हैं। चलिए इसको मैं ट्राइंगल मान लेता हूं एक, ठीक है, जो ये जो लेंथ है ये लेंथ ऑफ द रॉड होगी, ठीक है, एक्स मान लेते हैं उसको, उसको वाई मान लेते हैं। अगर यहां पे बात करें हम एक नॉर्मल, ये एंगल 37 मेरे पास गिवन है, ठीक है, ये प्रॉब्लम थी मेरे पास, ठीक है। अगर यहां पे बात करें कि अगर ये लेंथ, ये जो रॉड है, अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही, तो क्या जो एक्स लेंथ है वो इंक्रीज होगी, क्या ये एक्स लेंथ इंक्रीज होगी, यानी कि जब ये इस तरह से मूव करेगा तो ऊपर वाली साइड तो नीचे आएगी और ये वाली साइड के आगे मूव करती जाएगी, तो ये जो एक्स लेंथ है वो तो इंक्रीज होती जाएगी, और जो वाई लेंथ है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। अगर इस मेथड की बात करें जब हम कैलकुलस से सॉल्व कर रहे हैं, तो कैलकुलस में जो लेंथ एल है इसकी इक्वेशन लिखी जा सकती है, लिखी जा सकती है, नहीं लिखी जा सकती, लिखी जा सकती, कैसे लिखी जा सकती है सर, होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एल, और यहां पर अगर हम एल की बात करें, जो लेंथ ऑफ द रॉड है वो क्या कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो एल यहां पर क्या है,
कॉन्स्टेंट है सर, ये क्या है, फिक्स है, ये चेंज नहीं होने वाला, एक्स चेंज हो रहा है, वाई चेंज हो रहा है, जब रॉड मूव करेगा तो जब रॉड इस डायरेक्शन में जाएगा तो एक्स इंक्रीज होगा और वाई डिक्रीज होगा, तो ये दोनों वैल्यूज क्या है, चेंजेबल है, और जो एल है वो क्या है सर, कंस्ट्रेंट है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। ठीक है, जो इक्वेशन है इसको मैं टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं, क्या कर रहा हूं, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या ये 2x dx ओवर dt होगा, x स्क्वायर का 2x और x का dx बाय dt, ऐसे अगर y की बात करें तो क्या वो 2y dy बाय dt होगा, और जो l है वो कैसा है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये क्या हो जाने वाला है, जीरो, ये क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद यहां पर एक ट्रिक है, क्या ट्रिक है, कि अगर टाइम के साथ कोई चीज बढ़ रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में कोई चीज अगर इंक्रीज हो रही है, तो उसकी जो डीएक्स वाई डी टी होगा, या नॉर्मल बात कर लेते हैं, मान लीजिए कोई वैल्यू एम है, ठीक है, इसको एम मान लो, इसको एम मान लो, किसी को भी ऐसे एग्जाम्पल समझ रहे, अगर कोई एम है और किसी टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम हमेशा बढ़ता रहेगा, तो अगर वो चीज टाइम के रेस्पेक्ट में बढ़ रही है, ठीक है, तो उसका जो डीएम ओवर डीटी होगा उसको हम पॉजिटिव मानते हैं, उसको हम पॉजिटिव मानते हैं, और अगर इसी के अपोजिट बात करूं, अगर एम डिक्रीज हो रहा है टाइम के इंक्रीज होने पर, ठीक है, तो जो उसका डिफ्रेंशिएशन होगा वो क्या आने वाला है यहां पर, नेगेटिव, उसको हम नेगेटिव मानकर चलेंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम पे आता हूं वापिस, यहां पर अगर हम देखें dx ओवर dt, तो क्या dx ओवर dt या जो डिस्टेंस है x, वो क्या वो टाइम के रेस्पेक्ट में इंक्रीज हो रही है, हो रही है ना, बिल्कुल, जैसे जैसे ये स्लाइड होता जाएगा तो x लेंथ बढ़ती जाएगी और y लेंथ छोटी होती जाएगी, तो y लेंथ जो है छोटी हो रही है, तो इसको हम क्या ले लेंगे, नेगेटिव, और इसको क्या ले लेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, तो उसको उधर ले जाते हैं, या पहले यहां पर सॉल्व कर लेते हैं, 2x dx ओवर dt माइनस 2y dy बाय dt, माइनस साइन पता चल गया ना आपको कैसे आया, यहां से वो माइनस साइन आया, इक्वल टू जीरो, तो इसको जब उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा इस तरीके से, यहां से ये वैल्यूज कैंसिल आउट हो गई। अब मेरे पास क्या बचता है सर, मेरे पास बचता है एक्स इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी और वाई इक्वल टू डी वाई बाय डी टी। अब वापिस हमारे इक्वेशन पे आते हैं, डीएक्स ओवर डी टी की अगर बात करें, डीएक्स ओवर डी टी की बात करें, तो क्या ये वी ए है, क्या ये वी ए के बराबर होगा, ठीक है, और इसी तरीके से उस तरफ चलते हैं, वाई डी वाई बाई डी टी क्या होगा, वी बी, वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी वी बी, ठीक है, वी ए की वेलोसिटी मेरे को गिवन है कितनी, 10, यहां से मैं वाई को भी इधर लिया था, मेरे को वी बी माइन करना है, एक्स बाय वाई और वी ए की वैल्यू 10 इक्वल टू वी बी, ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। अब मेरे को एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स और वाई की, तो क्या मैं इसमें से टेन थीटा निकाल सकता हूं, तो 10 37 की बात करें तो वो क्या होगा सर, वो होगा वाई वाई एक्स, वाई वाई एक्स, और 10 37 की अगर हम बात करें, दैट इज 37, ये 4, सॉरी ये 3, ये 5 और ये 4, तो 10 37 कितना हो जाने वाला है सर, 3/4, 3/4 इक्वल टू वाई वाई एक्स, मेरे को किसकी चाहिए, एक्स बाय वाई की, तो ये कितना हो जाएगा सर, 4/3, तो ये 4/3 इंटू 10 इक्वल टू वी वी, तो यहां से कितना आ गया सर, ये आ गया 40/3 मीटर पर सेकेंड, और यही हमारा क्या आंसर आ रहा था पहले, तो आप सबको समझ में आया होगी, ये हमारा कैलकुलस मेथड है, अगर इसकी बात करें कैलकुलस मेथड, इसको हम कहीं यूज नहीं करेंगे, जो हम पहला यूज कर रहे थे वही यूज करेंगे, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास एग्जाम में होगा नहीं कि हम ये सब करने बैठे, हमें सिर्फ देखकर आइडिया लगाना है कि किधर किधर ऑब्जेक्ट जाएंगे, तो इसके लिए हमारा कौन सा मेथड रहेगा, पहला वाले एकदम सही रहता है। ठीक है, ये जो अभी तक हमने करा ये थे जनरल प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, रिलेटेड टू कंस्ट्रेंट, ठीक है, और कंस्ट्रेंट में सेकेंड टाइप के कंस्ट्रेंट पर मूव करते हैं अपन, जहां पर अपन पुलिस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे फोकस करेंगे, कि किस तरीके से पुलिस रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है हमारे, ठीक है, अगर हम जनरल टर्म्स में बात करें तो एडवांस या नीट की बात करें या जेई की बात करें, एडवांस तक में भी हमारे सिर्फ सिंगल टाइप पुली
कई क्वेश्चन आता है, पर क्योंकि अपन प्रैक्टिस कर ही रहे हैं तो अपन ढंग से करेंगे। एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूं मैं सीधे, ठीक है। ये हो गई हमारी कौन सी टाइप की बात कर रहे हैं अपन, पुली टाइप की, है ना। तो ये कंस्ट्रेंट मोशन आ गया अपने पास, इसको सेकंड टाइप का कंस्ट्रेंट है ये, जिसमें हम बात करेंगे पुली की, ठीक है। तो आते हैं पहला टाइप। पहला टाइप होता है जिसमें हमारे पास एक पुली होगी और एक ऑब्जेक्ट ए इधर, एक ऑब्जेक्ट बी इधर। यहां पर जो ये पुली है ये कैसी है, फिक्स्ड है। यहां पर ये जो पुली है हमारे पास फिक्स्ड पुली है, ठीक है। इस केस में क्या होगा, इस केस में जैसे हमें देख के पता चल रहा है, मैंने एक शुरू में एग्जांपल लिया था कि जो रोप ली थी जब मैं उसको इधर से नीचे खींच रहा था तो वाली साइड क्या है ऊपर जा रही थी, तो सेम यहां पर होने वाला है। जब मैं इस ए ऑब्जेक्ट को नीचे लेके जाऊंगा कुछ डिस्टेंस एक्स ए, तो ये जो बी डिस्टेंस है ये भी क्या करने वाली है, ये भी एक्स बी डिस्टेंस ऊपर जाने वाली है। मान लीजिए ये रोप है, एग्जांपल से देख लेते हैं अपन, ठीक है। ये वायर है मेरे पास, ठीक है। अब जब मैं इसको नीचे खींचूंगा किसी डिस्टेंस से, भाई ठीक है, तो जैसे मैं खींच रहा हूं जितना डिस्टेंस मैं नीचे खींच रहा हूं उतने डिस्टेंस कहां है ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये सेम यहां पे हो रहा है, जब मैं एक्स डिस्टेंस नीचे खींच रहा हूं तो एक्स भी डिस्टेंस ऊपर जा रहा है। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि जो मॉड ऑफ एक्स है क्या वो मॉड ऑफ एक्स बी के होगा। मॉड क्यों लिया आपको समझ में आ रहा होगा, क्यों, क्योंकि सर ये क्या है इन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, यहां पर वेक्टर फॉर्म में है सर, एक्स इक्वल्स टू एक्स बी। अगर मैं इनका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देता हूं, ठीक है, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में बात करूं कि जितना टाइम इसको मेरे को नीचे खींचने में लगेगा उतने टाइम में तो ये भी ऊपर जाएगा, तो क्या मैं यहां से डायरेक्ट बोल सकता हूं कि वी ए इक्वल्स टू वी बी। और सिमिलरली एक्सेलरेशन की बात करें तो क्या वो भी ऐसे आ जाएगा, बात समझ में आ गई कैसे लिखा मैंने। अगर ये एक्स है किसी टाइम पीरियड में, अगर ये एक मीटर नीचे खींच के लाता हूं मैं तो ये भी तो उसी टाइम पीरियड में एक मीटर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं डिस्टेंस अपॉन टाइम की बात करूं तो स्पीड होगी, तो जिस स्पीड से इसको नीचे खींचा उसी स्पीड से तो ऊपर गया, यानी कि जिस जो एक्सेलरेशन इसके पास है वही एक्सेलरेशन इसके पास हो, यही बात मैंने यहां पर लिखी। बात समझ में आ रही है सभी को, ठीक है। ये केस था जब पुली क्या थी हमारे पास फिक्स थी, यानी ये तो केस हो गया हमारे पास फिक्स्ड पुली का, ठीक है। अब इसके अलावा जब नेक्स्ट में चलते हैं, सबने नोट कर लिया होगा, सेकंड टाइप पर आ रहा हूं मैं, सेकंड टाइप मूविंग पुली। कौन सा, मूविंग पुली। इसमें जो पुली होगा हमारे पास वो भी ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा, इसको बोल देते हैं वीबी वेलोसिटी से, ठीक है। जो पुली है वो वीबी वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, ए और बी अपना मोशन कर रहे होंगे वो अलग बात है, पर जो वीपी है वो भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब इस टाइप की प्रॉब्लम में हमें यह ध्यान रखना होता है कि हम कहां से देख रहे हैं। अगर इससे पहले की प्रॉब्लम की बात करें तो वो सारी प्रॉब्लम हम चाहे तो ऑब्जेक्ट पर से देखें, ऑब्जेक्ट के बाहर से देखें, वो सेम टाइप की लगने वाली थी, पर इस टाइप के ऑब्जेक्ट में ये फर्क पड़ेगा कि हम कहां से देख रहे हैं। अगर हम पुली में से देखेंगे, ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है सेम टू सेम वैसी लगेगी जैसे फिक्स पुली की थी, यानी कि अगर मैं ये ऑब्जेक्ट को इसी डिस्टेंस से नीचे लाता हूं तो बी ऊपर जाएगा, ठीक है, ये तो होना ही है। पर अगर ये पुली में मैं यहां पर बैठा हूं, इस पुली मूविंग पुली में मैं बैठ के देख रहा हूं, तो मेरे रेस्पेक्ट में ये दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या है, मूव कर रहे होंगे, ठीक है, एक ऊपर आ रहा होगा एक नीचे जा रहा होगा। पर अगर मैं बाहर से बैठ के देखूं, बाहर से बैठ के देखूं ग्राउंड से, तो मुझे क्या दिखेगा कि ये जो वीपी है वो ऊपर जा रहा है, यानी कि पूरा सिस्टम ही कहां ऊपर उठ रहा है, यानी कि अगर ए ऊपर जा रहा है एक्स, अगर ये ए जो है वो एक्स डिस्टेंस ऊपर जा रहा है नॉर्मली, तो जब ये भी ऊपर जाएगा तो ये एक्स थोड़ी जाएगा, कुछ और डिस्टेंस भी तो जाएगा, ये डेल एक्स मान लेते हैं, मान लीजिए डेल एक्स डिस्टेंस ऊपर गया, तो इसकी टोटल डिस्टेंस जो मेरे को बाहर से दिखने वाली है वो कितनी दिखेगी, एक्स प्लस डेल एक्स, यानी कि इतना डिस्टेंस ऊपर उठा, ठीक है। और इसकी बात करें तो सर इसको नीचे आना था कितना, एक्स, पर सर ये सिस्टम पूरा ऊपर उठ गया तो इसमें से माइनस डेल एक्स होगा, यानी कि इसको जितना ऊपर उठना था ये मुझे उससे ज्यादा ऊपर उठता हुआ दिखेगा, और इसको जितना
नीचे आना था उससे कब मुझे नीचे आता हुआ देखेगा। यानी कि अगर मैं यहां पर बोलूं तो यहां पर जो कंडीशन है ये क्या हो जाती है, एकदम गलत हो जाती है। तो ये गलत होगी तो ये भी गलत होगी और ये भी गलत हो जाएगी। तो क्या सही होगी सर? ठीक है, तो यहां पर क्या सही होगा उसकी बात करते हैं। पर इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सिंपल तरीका है कि अपन कहां पर बैठ जाए, पुली पे बैठ जाए। कहां पर बैठ जाए? पुली पे। तो जब पुली पे बैठ के देखेंगे तो हमें ये प्रॉब्लम कैसे दिखने वाली है, ये प्रॉब्लम हमें लगने वाली है एकदम फिक्स्ड पुली जैसे। ठीक है, तब मैं क्या बोलूंगा कि जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है किसने, ए ने, विद रिस्पेक्ट टू पुली, जो डिस्टेंस एक्स ने मतलब डिस्टेंस ए ने ट्रेवल करी है विद रिस्पेक्ट टू पी, वो क्या है, बराबर है किसके, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी विद रिस्पेक्ट टू बी। बस डिफरेंस किसका होगा सर, डायरेक्शन का होगा। ठीक है, इसका मैं टाइम के साथ अगर डिफरेंशिएशन कर दूं तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा वी ए पी इक्वल्स टू माइनस वी बी पी। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, रिलेटिव मोशन वाला। तो क्या वी ए पी को मैं लिख सकता हूं वी ए माइनस वी पी, और वी बी को मैं लिख सकता हूं माइनस ब्रैकेट में वी बी माइनस वी पी, ये लिखा जा सकता है इसको, है ना। चलो तो इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, वी ए माइनस वी पी इक्वल्स टू माइनस वी बी प्लस वी पी। ठीक है, तो इधर आएगा तो माइनस का वीपी हो जाएगा, ये तो रहेंगे, तो यहां पर आया हमारे पास वीपी और वीपी, तो टू वीपी हो गया हमारे पास इक्वल्स टू वी ए प्लस वी बी वेक्टर, ऐसा कुछ आएगा। और यहां से हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी वीपी इक्वल्स टू वी ए प्लस वी बी बाय टू। समझ में आया आप सबको यहां पर क्या करा मैंने? ठीक है, जो रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट था वो लगाया। अभी जो स्पीड आई है मेरे पास ये कौन सी आई है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और इस ऑब्जर्वेशन को देखें हम, यहां से हमें क्या चीज पता चल रही है कि सर जिस स्पीड से ए नीचे आ रहा होगा और जिस स्पीड से बी ऊपर जा रहा होगा, ठीक है, इस प्रॉब्लम में क्योंकि ये हमने रिलेटिव मोशन से किया है तो हमें किस चीज का ध्यान रखना है, साइन कन्वेंशन का, साइन कन्वेंशन स्टार्ट लगा के लिख लो, साइन कन्वेंशन इसमें हमें यूज करना ही करना है। कैसे यूज करेंगे वो कि हम जो प्रॉब्लम करेंगे तो देखेंगे किस तरीके का साइन कन्वेंशन यूज होगा। ठीक है, तो अगर हम यहां पे देखें तो वी ए और वी बी की जो अगर स्पीड हम ऐड कर दें, वेलोसिटी ऐड कर दें और उसका हाफ कर दें, उतनी वेलोसिटी किसकी होने वाली है, वी बी की, उतनी स्पीड कितनी होने वाली है, वी बी की। मान लीजिए वी ए 10 से जा रहा था और वी बी भी 10 से जा रहा था, तो 20 बटा 2 10, तो वी बी किससे जाएगा, 10 से ऊपर जाएगा। मान लीजिए वी ए 15 से और ये 10 से, तो 25 हो गया, 25 बटा 2 12.5 से ये ऊपर मूव करेगा। और जब साइन कन्वेंशन से लिखेंगे तो हमें यहाँ पता चल जाएगा कौन सा ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है। ठीक है, अगर इसी की बात करें तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्सेलेरेशन के लिए, एक्सेलेरेशन ऑफ पुली इक्वल्स टू एक्सेलेरेशन ऑफ ए प्लस एक्सेलेरेशन ऑफ बी बाय 2। क्या ये लिख दिया था मैंने, गलत कर दिया कुछ, नहीं किया ना, तो एक फॉर्मूला हमारे पास यहां से ये दिया गया। और सेम फॉर्मूला किसके लिए होने वाला है, हमारे लिए डिस्टेंस के लिए होने वाला है। तो डिस्टेंस के लिए अगर बात करें, डिस्टेंस ऑफ पुली जो ट्रेवल करेगा वो होगा एक्स ए प्लस एक्स बी बाय 2। इसको सिंपली समझा भी जा सकता है, कैसे समझा जा सकता है देखते हैं इसको एक बार, और यहां पे जगह बना देते हैं अपन। ये वीपी से ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब अपन डिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि एक्सपी की हाफ डिस्टेंस कैसे होगी। देखो, जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर मूव करेगा, ये ऑब्जेक्ट ऊपर मूव करेगा, ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है वो मान लीजिए यहां पर शिफ्ट होकर आ गया, तो इस तरीके से कहीं पर गोला बन गया, ठीक है। तो वीपी ने यहां से लेके यहां तक की अगर डिस्टेंस की बात करें, इस सेंटर से ये डिस्टेंस चली कितनी, एक्स, कितनी डिस्टेंस चली, एक्स। इस डिस्टेंस के लिए ए को भी कितना डिस्टेंस जाना पड़ा ऊपर, एक्स डिस्टेंस, और बी को भी कितना डिस्टेंस जाना पड़ा, एक्स डिस्टेंस। तो दोनों का सम डिवाइड बाय 2 के इस एक्स के बराबर है, हो रहा है, वही हमने यहां पर प्रूफ किया है, देख लो करके।
अगर इस पुली को मैं ऊपर उठा के ले जाता हूँ किसी डिस्टेंस एक्स से, तो ये ए भी तो उतनी डिस्टेंस एक्स ऊपर जाएगा और ये बी भी तो उतनी डिस्टेंस एक्स जाएगा, तो इन दोनों का सम डिवाइड बाई टू के एक्स के बराबर होगा, ठीक है, और सेम स्पीड के साथ होने वाला है और सेम ही एक्सेलरेशन के साथ होने वाला है, ठीक है। इससे पहले वाली कंडीशन भी प्रूफ की जा सकती है, अगर वेलोसिटी ऑफ पुली कितनी हो, या वेलोसिटी ऑफ पुली की बात करें जीरो, यानी पुली कैसा हो फिक्स्ड हो, तो वी बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो वी ए इक्वल टू माइनस वी बी हो जाएगा, जो कि हमारी क्या थी पहले वाली कंडीशन थी। यानी कि अगर मैं बात करूं वी बी इक्वल टू जीरो, तो ये कब होने वाला है, व्हेन पुली क्या हो फिक्स हो, जब पुली फिक्स होगी तो उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं vp वेक्टर इक्वल्स टू va प्लस vb डिवाइड बाय 2, vp तो हमारा क्या है जीरो है, तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचने वाला लास्ट में, va इक्वल्स टू माइनस vb, और यही तो पुली वाले केस में भी आया था कि अगर एक नीचे से va स्पीड से जा रहा है तो दूसरा ऊपर की तरफ किससे जाएगा, vb स्पीड से जाएगा, ठीक है, माइनस साइन ये डायरेक्शन बता रहा है, और v और vb क्या बता रहे हैं सर, कि दोनों स्पीड्स क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। चलिए तो प्रॉब्लम पे आते हैं, इसकी इस टाइप की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें ही बेसिक प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं, हम धीरे धीरे लेवल इंक्रीज करते हैं। चलिए तो क्या प्रॉब्लम दी गई, प्रॉब्लम पे आते हैं। एक पुली दी गई है फिक्स्ड, ये पुली है, एक ऑब्जेक्ट है इधर, एक ऑब्जेक्ट बी इधर, जो मेरे से बोला गया है बी है वो 3 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, मुझे फाइंड करना है बी ए, बी ए ऊपर की तरफ है, ये भी है जो मुझे फाइंड करना है, और वेलोसिटी ऑफ पुली है वो मुझे गिवन है 10 मीटर पर सेकंड, कितना 10 मीटर पर सेकंड, कैसे करेंगे, तो अभी हमने फॉर्मूला देखा उसी को अप्लाई करना है, ठीक है, ध्यान रखना है साइन कन्वेंशन का, तो हम क्या मान लेते हैं कि जो भी ऊपर की तरफ है वो पॉजिटिव है और जो भी नीचे की तरफ है वो नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं वीपी की, वीपी सर ऊपर की तरफ है तो प्लस 10, वी बी की बात करें तो सब नीचे की तरफ है माइनस 3 मीटर पर सेकंड, वी ए फाइंड करना है तो वे जिधर भी होगा या जिधर भी उसकी डायरेक्शन होगी वो ऑटोमेटिकली साइन आकर हमें बता देगा। फॉर्मूले की बात करते हैं, अपन फॉर्मूला क्या था, वी पी इक्वल्स टू वी ए प्लस वी बी बाई 2, वैल्यूज पुट कर देते हैं, वी ए हमें निकालना है उसको एज इट इज छोड़ दिया, प्लस वी बी की बात करें तो कितना सर माइनस थ्री बाई टू, और वी पी कितना 10, तो ये 20, वी माइनस थ्री, तो यहाँ से जो वी आया वो मेरे पास कितना आ गया 23 मीटर पर सेकेंड मेरे पास क्या आ गया है, वी ए आ गया है। तो वी ए की बात करें तो कैसा आया सर, ये पॉजिटिव आया है, यानी कि वी ए कहाँ जा रहा है सर, वी ए ऊपर की तरफ जा रहा है, कितनी 23 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको रिलेटिविटी से चेक भी किया जा सकता है, कैसे चेक किया जा सकता है, हम रिलेटिविटी में क्या करते थे, किसी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में निकाल लो तो उसकी स्पीड जो है घुमाकर दूसरे ऑब्जेक्ट को दे देते थे, हम ये करते थे, तो इसको हम रेस्ट पे मान लेते, तो ये जो स्पीड है घुमाकर कहाँ दे देंगे, इन दोनों को दे देंगे, तो इसकी स्पीड क्या है ऊपर की तरफ, तो उसको घुमाकर नीचे की तरफ देंगे, दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ मैं, तो दूसरे पेन से नीचे आया 10 मीटर पर सेकेंड, और इसको भी घुमा कर देंगे नीचे की तरफ से आगे 10 मीटर पर सेकंड, फिर 3 प्लस 10 दोनों नीचे की तरफ है तो यहाँ 13 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और यहाँ की अगर बात करें तो 23 ऊपर और 10 नीचे, तो यहाँ जाएगा 13 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ, और ये आया 13 मीटर पर सेकंड नीचे की तरफ, तो यहाँ से भी हम ये प्रूव कर सकते हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट कैसा होता, फिक्स होता, तो 13 से ऊपर जा रहा है 13 से नीचे आ रहा है, यानी कि कंस्ट्रेंट का कंसेप्ट ही फॉलो कर रहा है, और हमारे आंसर जो भी थे हमने निकाले थे वो एकदम सही थे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं।
चलो नेक्स्ट क्या दिया हुआ मेरे को, यहाँ पर एक ब्लॉक है, एक पुली यहां से लगी है, तरीके से आ रही है, ठीक है। ये जो पुली है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है वीपी से, एंड दैट इज गिवन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस बार एपी गिवन है मेरे को, एपी गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ऑब्जेक्ट ए है, इसकी वेलोसिटी है फाइंड, इसका एक्सेलरेशन में फाइंड करना है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए, फाइंड आप कैसे करेंगे सर? इससे पहले तो हमने बात करी थी, फॉर्मूला तो हमें याद है सर, अब फॉर्मूला क्या होता है सर? फॉर्मूला है ए पी इक्वल्स टू ए प्लस ए बी बाई टू पर, सर बी तो है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखें ये जो पॉइंट है इसको बी मान लेते हैं, अब क्योंकि ये फिक्स जब ये कहीं मूव करने वाला नहीं है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा सर? इसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। अब क्या मेरे पास सारी वैल्यूज है कि नहीं है? है, चलिए फुट कर लेते हैं। अभी जैसे इस टाइप की प्रॉब्लम में अगर हम देखें, क्योंकि सबकी डायरेक्शन शायद एक ही डायरेक्शन में, इसलिए हम साइन का अभी ज्यादा ध्यान दे भी नहीं पाएंगे। पर अगर ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट दूसरी डायरेक्शन में जा रहा था, तो हम एक साइड को पॉजिटिव मानते हैं, दूसरी साइड को नेगेटिव मानते, तो वैल्यूज फुट कर देते हैं। ए हमको निकालना है, वो हमारे पास जीरो है, टू, और ये हमारे पास टेन है। तो यहां से ए डैश की बात करें तो वो कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और पॉजिटिव आया यानी कि इसका डायरेक्शन क्या है सर? इसी डायरेक्शन में वो जा रहा है, क्योंकि एपी को हमने पॉजिटिव लिया, तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ऑफ पुली है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ऑफ ए पुली होने वाला है। आगे देखते हैं और प्रॉब्लम्स, लेवल इंक्रीज करते हैं थोड़ा सा। इस बार क्या गिवन है मेरे को? एक पुली ये है, दूसरी पुली, ये तीसरी पुली, और यहां पर एक ऑब्जेक्ट ये है, इस तरीके से मुझे कोई डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। इसको पुली वन बोल देते हैं अपन, पुली वन, पुली टू, पुली थ्री। ये प्लैंक गिवन है मेरे को, प्लैंक, ठीक है। ये जो प्लैंक है ये 20 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है, 20 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ जा रहा है। मुझे फाइंड करनी है वेलोसिटी ऑफ ए, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए मुझे फाइंड करनी है। अब कैसे करेंगे? फॉर्मूला वही है हमारे पास जो हमने पहले यूज किया था, ठीक है। एक चीज जो यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि मान लीजिए कि यहां से बोला गया 20 मीटर पर सेकंड से प्लैंक नीचे जा रहा है, यानी कि प्लैंक का जो हर पॉइंट होगा, ठीक है, वो किससे आ रहा होगा? 20 मीटर पर सेकंड से नीचे। यानी कि अगर ये जो हम तीन जॉइंट्स देख पा रहे हैं जहां से ये पुली से जुड़ी हुई है, तो इनकी स्पीड भी क्या है सर? ये 20 नीचे आ रहा है, ये भी 20 मीटर से नीचे आ रहा है, ये भी 20 से नीचे आ रहा है। पहला काम यहां पर खत्म। दूसरी बात, ये पहली वाली पुली कैसे दिख रही है सर? ये पहली वाली पुली फिक्स्ड है, पहली वाली पुली जो है ये फिक्स्ड है, पहली पुली फिक्स्ड है। अगर पहली पुली फिक्स्ड है तो जिस स्पीड से, जिस डिस्टेंस से, जिस एक्सेलरेशन से ये स्प्रिंग, ये थ्रेड नीचे आएगी, ये स्ट्रिंग थ्रेड नीचे आएगी, उसी से क्या ये ऊपर जाएगा? जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा ना। तो अगर मैं यहां पे बात करूं, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ पुली टू होगा, वीपी टू होगा, तो वीपी टू क्या होने वाला है सर? वो होने वाला है 20 मीटर पर सेकंड। इसको अगर माइनस मानेंगे तो ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 20, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन में बता भी देता हूं, ये प्लस ये नेगेटिव, तो ये नीचे की तरफ है नेगेटिव और ऊपर की तरफ पॉजिटिव। अब आते हैं इसको सॉल्व करने पर, ठीक है। इसको वेलोसिटी ऑफ पुली थ्री बोल देते हैं, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ पुली थ्री,
इस डायरेक्शन में आएगा। वेलोसिटी ऑफ पुली 2 की बात करते हैं, पहले अपन वीपी 2 की बात करते हैं। तो वीपी 2 क्या होगा, वीपी 2 की एक वाली साइड तो 20 है और एक कौन सी है वीपी 3। हाँ तो अपन दे वीपी 2 पे, वीपी 2 की बात कर रहे थे अपन, वेलोसिटी ऑफ पुली 2 यानी कि पुली 1 की बात कर ली। पुली 1 कहां जा रहा था सर, वीपी 1 की बात करें तो ये वाली साइड 20 से नीचे आ रही थी, तो वाली साइड क्या है ऊपर जाएगी 20 से, क्योंकि ये पुली क्या था फिक्स था। और फिक्स पुली में देखा था कि सर अगर दो ऑब्जेक्ट्स हो तो अगर एक जिस डिस्टेंस नीचे आएगा उतना ही ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है, तो ये 20 से नीचे आ रहा था और 20 से ऊपर जाएगा, तो ऊपर को पॉजिटिव मान लिया नीचे को नेगेटिव मान लिया। जिससे ऊपर जाएगा उसी स्पीड से तो पुली 2 ऊपर जाएगी क्योंकि उसी स्ट्रिंग से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो वीपी 2 की बात करें, वीपी 2 पे दो स्ट्रिंग्स लटकी हुई है, मतलब एक स्ट्रिंग है ठीक है, एक स्ट्रिंग तो प्लैंक से अटैच है वो नीचे जा रही 20 से, और वीपी 3 है जो पुली 3 से अटैच है। तो वीपी 2 की बात कर रहे हैं अपन, वीपी 2 के लिए क्या क्या है मेरे पास, वीपी 2 के लिए मेरे पास यहाँ पे इसको बी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, ये नीचे की तरफ है माइनस 20 प्लस ये ऊपर की तरफ है दैट इज वीपी 3 अपॉन 2। वीपी 2 की बात करें तो कितना 20 माइनस 20 प्लस वीपी 3 बाय 2 40 प्लस 20, तो वीपी 3 जो मेरे पास आया वो कितना आ गया 60 मीटर पर सेकंड, कितना आ गया 60 मीटर पर सेकंड, यानी कि आप वीपी 3 की बात करें तो पॉजिटिव आया दैट इज ये ऊपर की तरफ जा रहा है 60 मीटर पर सेकंड। अब इसकी बात करते हैं वीपी 3 के लिए, वीपी 3 के लिए भी ये सेम इक्वेशन लिखी जा सकती है। कैसे लिखी जा सकती है सर, इसकी एक स्ट्रिंग तो नीचे की तरफ है तो माइनस 20, ये जो ब्लॉक है ये पता नहीं किस तरफ जा रहा है, इसको छोड़ देते हैं अपन एज इट इज, इसको बी ए बोल देते हैं, ये प्लस बी ए, जो भी आंसर होगा वो साइन आ जाएगा बाय 2। वीपी 3 की वैल्यू कितनी है सर, 60 माइनस 20 प्लस बी ए बाय 2, इधर जाएगा 120 प्लस, तो बी आ गया हमारे पास कितना 140 मीटर पर सेकेंड, 140 मीटर पर सेकेंड दिख रहा होगा शायद आपको, ठीक है। तो यहां से जो बी ए की वैल्यू है मेरे पास वो कितना आया 120 प्लस 20 दैट इज 140 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से जो बी आया मेरे पास आया 140 मीटर पर सेकेंड। अब क्योंकि पॉजिटिव आया है इसका मतलब ये कहां पर जा रहा है सर, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन या जो वेलोसिटी है वो कहां पर है, ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो आपको समझ में आया किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करिए। चलो आगे देखते हैं और प्रॉब्लम्स। बार क्या दिया हुआ इस पर, एक वेज दी हुई मेरे को इस तरीके से, एक वेज है एक ब्लॉक है, यहाँ एक पुली है, यहाँ एक पुली है, ऑब्जेक्ट है ये इधर इधर से जुड़ी हुई है, ये ग्राउंड है ठीक है। नेमिंग कर देते हैं अपन इनकी, ये पुली 1, ये फिक्स्ड है इसको छोड़ दो, ये पुली 2, ये पुली 3 ठीक है, ये भी हो गया। वेलोसिटी ऑफ ए जो है मुझे नीचे की तरफ गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, अब मेरे से पूछा गया वेलोसिटी ऑफ बी फाइंड करनी है, मुझे पूछा गया वेलोसिटी ऑफ बी फाइंड करनी है। स्क्रीन को पॉज कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलो आते हैं प्रॉब्लम पर, ठीक है। तो ऊपर आई साइड को पॉजिटिव मान लेते हैं, नीचे को नेगेटिव, पहला काम तो ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, बी भी हमको फाइंड करना है। सॉल्यूशन पर आते हैं डायरेक्ट, कैसे सॉल्व करेंगे यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये दोनों पॉइंट्स सर ग्राउंड से जुड़े हुए हैं तो इसकी स्पीड भी जीरो, इसकी स्पीड भी
जीरो, ये दो पॉइंट्स तो हो गए हमारे पास खत्म। वीपी थ्री की बात करते हैं, इसको वीपी थ्री बोल देते हैं, वेलोसिटी ऑफ थ्री ऊपर की तरफ होगी मान लीजिए, ठीक है सपोज कर लेते हैं कि ये ऊपर की तरफ है, हमें नहीं पता कार की तरफ है, हम वीपी थ्री मान लेते हैं ऊपर की, तो वीपी थ्री को मैं ऐसे छोड़ देता हूँ बिना साइन करने चाहिए वीपी थ्री, ठीक है। वीपी थ्री के क्या लिखे, क्या लिखेंगे, बी माइनस बी प्लस ए, ये ए प्लस बी, तो ये पॉइंट तो जीरो और वो नीचे की तरफ माइनस टेन बाय टू, तो यहां से कितना आ गया, यहां से आया माइनस फाइव मीटर पर सेकेंड, यानी कि वीपी थ्री कहां पर है सर, वीपी थ्री, वीपी थ्री की अगर स्पीड की बात करें तो जो पुली है ये कहां आ रहा है सर, नीचे आ रहा है वीपी थ्री, इससे माइनस फाइव मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। यहां तक किसी को अगर बोलो नहीं है, अब वीपी टू की बात करते हैं, यहां पर वीपी टू होगा मान लीजिए, वीपी टू के लिए भी सेम इसी तरीके से इक्वेशन लिखी जाएगी, तो उसका एक एंड वापिस से ग्राउंड से टच है या फिक्स एक पॉइंट से, तो जीरो, ये माइनस फाइव मीटर पर सेकेंड ना, माइनस फाइव बाय टू, माइनस फाइव बाय टू, तो कितना आ जाएगा सर, माइनस और माइनस वीपी टू ना, यहां पर आएगा माइनस और माइनस फाइव, गड़बड़ तो नहीं करी है मैंने, नहीं पर देख लेना एक बार, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा कितना, 5 बाय 2 यानी कि 2.5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये 5 बाय 2.5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। साइन चेक कर लेना, गड़बड़ तो नहीं करिए, ठीक है। तो वैल्यू आ गई 2.5 से ऊपर की तरफ जा रहा है, सॉरी आएगा माइनस फाइव ना, फिर माइनस 2.5, यानी कि ये भी नीचे की तरफ आएगा 2.5 से, माइनस 2.5 से, जब ये माइनस 2.5 से आएगा तो ये फिक्स पुली है, तो ये भी इधर मूव करेगा 2.5 मीटर पर सेकंड से। पुली वन पर आते हैं डायरेक्ट, पुली वन की बात करते हैं, ये पॉइंट फिक्स्ड है, यहां पर जो स्पीड होगी वेलोसिटी होगी कितनी हो गई, जीरो हो गई, कितनी हो गई जीरो, तो वीपी वन के लिए बात करें तो जीरो प्लस वीबी बाय टू, वीपी वन की बात करें तो किससे आगे मूव कर रहा है सर, 2.5 से, तो 2.5 ये टू उधर ले जाता हूं मैं, टू इक्वल्स टू वीबी, तो वीबी आ गया मेरे पास 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव, यानी कि जो ब्लॉक है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है सर, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इन साइड की प्रॉब्लम है, कोई लॉजिक या कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है कि अगर इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहां से खींचा तो ये पुली कहां आएगी, नीचे आएगी, ये पुली नीचे आ रही तो ये पुली भी नीचे आएगी, ये पुली नीचे आएगी तो वायर भी इस तरफ खिंचता हुआ आएगा, वायर इधर खिंचता हुआ आएगा, तो ब्लॉक किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, या आप इमेजिन भी कर सकते हैं किस तरफ ब्लॉक जाने वाला है, ठीक है। तो आपको समझ में आया किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व की गई है, चलो एक आखिरी प्रॉब्लम और देखते हैं, फिर एक और टाइप का मेथड बचेगा, मतलब एक और टाइप का कंस्ट्रेंट बचेगा वेज टाइप का, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आपका जो चैप्टर है काइनेमेटिक्स वो खत्म हो जाएगा। क्या दिया हुआ इस बार मेरे को, ए बी सी, ए जो दिया हुआ है वो 5 मीटर पर सेकेंड से नीचे आ रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से, जो बी है वो 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे आ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। हमसे पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ सी फाइंड करनी है हमको, फाइंड बी सी हमको फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करेंगे उस पर बात करते हैं वापस से, ठीक है। हम यहां पर हम देख पा रहे हैं जो ए और बी है
जो ए और बी है वो किससे अटैच्ड है सर? वो फिक्स पुली से अटैच है, वो देख के पता भी चल रहा है सर ये पुली मूव कर सकती है या कहीं पर नहीं मूव कर सकती सर, एक पॉइंट से फिक्स्ड है, ये जो है फिक्स्ड है, ठीक है, फिक्स पुली फिक्स, ये मूवेबल है, ऊपर नीचे मूव कर सकती है। जब ये फिक्स पुली है तो ये ए से नीचे जाएगा, तो ये ऊपर किससे जाएगा सर? ये 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाएगा, जिससे ये नीचे आएगा उसी से ऊपर आएगा, ठीक है। बी की बात करते हैं सर, ये नीचे 10 से आएगा क्योंकि एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो ये भी ऊपर किससे आने वाला है? 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। यहां तक प्रॉब्लम सॉल्व। अब इसके बाद की प्रॉब्लम पर आते हैं, जो मेन प्रॉब्लम बचती है हमारे पास, ठीक है। तो थोड़ा मैं यहां से इसको इरेज कर देता हूं, ये पूरा ही हटा देते हैं। अब क्या बचा मेरे पास, उस पर बात करते हैं। मेरे पास बचा है एक पुली जिसकी एक एंड पे ऊपर की तरफ लग रही है 5 मीटर सेकंड की वेलोसिटी, और एक एंड पे लग रही है 10 मीटर पर सेकंड की, और उससे नीचे एक ब्लॉक जुड़ा हुआ है, ब्लॉक सी, जिसकी वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है। अब प्रॉब्लम रिड्यूस होकर इतनी सी रह गई है। तो बीसी के लिए अगर हम बात करें, मूवेबल पुली वाला केस हो गया, इसको उल्टा कर देंगे तो बीसी इक्वल टू क्या होगा सर? ये प्लस ये, तो दोनों ऊपर की तरफ है, दोनों को पॉजिटिव ले लेते हैं, है ना। ये 10 + 5/2 तो कितना आया 7.5 मीटर पर सेकंड, और ये वैल्यू कैसे है? ये पॉजिटिव, यानी कि बीसी की अगर बात करें तो 7.5 मीटर पर सेकंड से कहाँ जाएगी सर? ये ऊपर जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आपको समझ में आओगे किस तरीके से टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। कल की जो क्लास होगी उसमें इसी से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स हम देखेंगे कि और क्या क्या वेरिएशन आ सकते हैं, ठीक है। एक वेज टाइप का प्रॉब्लम होती है, ठीक है, ऐसी वेजेस होंगी उसके ऊपर एक और वेज रख दी जाए, ठीक है। तो जब दोनों मूव करेंगे तो किसकी क्या वेलोसिटी रहेगी उस पर बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।